अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स समिया खान और आपने मेरा पहला लेक्चर जो पार्ट वन है वो ले लिया हुआ है, जिसमें हमने बुक का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। सो हेयर वी आर टू गो विद आर एक्चुअल टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। सो मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 3 को फर्स्टली स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग थ्रू दैट चैप्टर फर्स्ट। सो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, दैट इज़ एंजाइम्स, और टुडे वी हैव टू डिस्कस विद आर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर मेंशन कर दिए हैं। पॉइंट्स आर, सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी डिस्कस करेंगे, दैट हाउ एंजाइम वर डिस्कवर्ड, कैसे पता चला कि कोई चीज़ एंजाइम भी है, और फिर उसकी डेफिनेटली सिग्निफिकेंस उसके बाद शो हुई। उसके बाद व्हाट इज़ द बैकग्राउंड टूवर्ड्स दी टॉपिक, एक दो टर्मिनोलॉजीज हमें स्टडी करनी है इन ऑर्डर टू नो द एक्चुअल टॉपिक, और फिर उसके बाद वी विल हैव द एक्चुअल डेफिनेशन, प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट व्हाट आर एंजाइम्स। देन वी विल डिस्कस सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इट, कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम्स की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो बेयर करते हैं, वो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन टू यू पीपल। देन वी विल हैव एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम स्ट्रक्चर में वी विल डिस्कस द एंजाइम शेप, और फिर उसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, एक्टिव साइट। यू मे गेट फेमिलियर विद दिस इन योर 9th and 10th, बट हेयर वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। And then we will have this cofactor. What is the cofactor? How enzymes are requiring this? How this cofactor is important to make the enzyme work properly? And what are the types of cofactors? अगर cofactors की कुछ types हैं तो वो क्या हैं और वो कैसे exist करती हैं, और उन types में आगे further फिर उनका usage कहाँ कहाँ है, कौन से enzymes हैं जिनको कौन सा cofactor required है। So starting with our topic, फर्स्टली हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। सो अगर हम इसकी डिस्कवरी को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1833 में पाइन वॉज अ पर्सन हु मेड अ मटीरियल एंड दैट वॉज टू डाइजेस्ट द स्टार्च, और उसने उसको कहा कि दिस इज़ द डायस्टेज। सो ये आपके पास इसका एक थोड़ी सी इसकी डिस्कवरी है, 1833 में इट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड। ओके, लेट्स हैव अ बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। सो हाउ दीज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, क्यों ये रिक्वायर्ड हैं, हम ये क्यों अंडरस्टैंड करें, क्यों पढ़ना चाहते हैं। सो इससे पहले कि हम डायरेक्टली एंजाइम्स के ऊपर जाएं, फर्स्टली हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिविंग बॉडी। कोई भी लिविंग बॉडी आप कंसिडर कर लें, आप ह्यूमंस को कंसिडर कर लें, आप इवन किसी अमीबा को कंसिडर कर लें, कोई भी लिविंग बॉडी कंसिडर कर लें। सो लिविंग बॉडी के अंदर हम ये कहते हैं कि देयर आर सर्टन रिएक्शंस। लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव without some reactions, certain types of reactions are going to take place within any living body. कुछ reactions हो रहे हैं किसी भी living body के अंदर। So अगर हमारे पास ये reactions हो रहे हैं, ये different types of reactions हो रहे हैं, और इस पे living body dependent है, हम ये कहते हैं कि a summation of these all reactions, इन सारे reactions को अगर हम sum up करें तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। हम कहते हैं कि समेशन ऑफ दीज ऑल रिएक्शंस इज मेटाबॉलिज्म। बेसिकली आपके पास सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज गोइंग थ्रू इन द लिविंग सेल्स इज नोन एज मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स। अच्छा, अब हम अगर मेटाबॉलिज्म को देखते हैं तो इसमें दो तरह के रिएक्शंस हमारे पास शो होते हैं। वन इज द कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिज्म, अदर इज द एनाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिज्म। देखें, आपके पास ये लफ्ज है कैटाबॉलिज्म, कट से निकला है, इसका मतलब है कि इस तरह के रिएक्शन में कॉम्प्लेक्सेस आर कट डाउन और ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर वंस। आई रिपीट, मैंने कहा कि कैटाबॉलिक का मतलब ये है, बेसिकली दिस इज फ्रॉम कट, और इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सेस ब्रेक डाउन हो रहे हैं सिंपल चीजों के अंदर। अगर हम एनाबॉलिक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एनाबॉलिक इसका ऑपोजिट है। एनाबॉलिक का मतलब ये है कि आपके पास कोई सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल यूनिट्स हैं, और वो मिल के कॉम्प्लेक्सेस को बनाते हैं। इन दोनों का समेशन हमारे पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सो मेटाबॉलिक, यू विल गेट सरप्राइज टू नो कि एक ह्यूमन सेल के अंदर, सिर्फ एक सेल की बात हो रही है, एक ह्यूमन सेल के अंदर देर आर 1300 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। So these 1300 different type of enzymes are important to carry on those process जो हमारे पास human life की survival के लिए important है। अच्छा, अब question ये है कि अगर ये enzymes ना हो तो क्या होगा? कुछ reactions ऐसे हैं जो enzymes के ना होने के बावजूद भी हो जाएंगे, वो reactions होंगे,
बट वो इतने स्लोअर पेस के ऊपर होंगे कि उसका ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी उसकी। सो अब हम आ जाते हैं, एक्चुअली हम अपने एंजाइम के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि व्हाट आर दीज एंजाइम। अभी मैंने क्या कहा कि अगर एंजाइम नहीं होंगे तो रिएक्शन होगा बट एट अ स्लोअर पेस, इसका मतलब है एंजाइम इज देयर टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। येस डेफिनेटली यू गेट इट राइट। एंजाइम्स क्या चीज़ हैं जी हमारे पास? अब अगर हम इसकी नेचर देखते हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर ऑर्गेनिक प्रोटीन्स एंड दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर बट आर बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो चीज़ है जो आपके पास रिएक्शन के बाद एज इट इज़ आ जाती है बट दैट इज़ गोइंग टू स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर वो कैटलिस्ट नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ही नहीं होगा आपके पास, स्पीड अप नहीं होगा। सो दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दीज आर प्रोटीन्स एंड दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। लेट्स कम टू वर्ड सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स। हम अब एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स हैं तो ऑर्गेनिक हैं प्रोटीन, बट कुछ प्रॉपर्टीज इनकी ऐसी हैं जो कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में भी हो सकती हैं। सो ओवरऑल जो आपकी बुक का कॉन्टेंट है उसके अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टीज को मैंने लाइन अप कर लिया है। सो वी हैव टू डिस्कस दोज वन बाय वन। सबसे पहले आपको लिखा नजर आ रहा है जी रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमने क्या बात की, हमने कहा कि एंजाइम्स आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम नहीं होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पेस पे नहीं होगा। सो हियर इज अ कंपैरिजन, इफ वी स्टडी एन एंजाइमेटिक रिएक्शन तो हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन वुड इंक्रीज 10^6 टू 10^14 फोल्ड्स। एंजाइम की मदद से या एंजाइम बेस्ड रिएक्शन जो है, एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन जो है, उसमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन 10^6 टू 10^14 टाइम्स फास्टर होगा एज कम्पेयर टू एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स द सेकेंड थिंग विच इज़ द सेंसिटिविटी। एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू सर्टन एजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल pH एंड टेम्परेचर। अगर आप उस टेम्परेचर रेंज को इंक्रीज करेंगे बहुत ज़्यादा या डिक्रीज करेंगे बहुत ज़्यादा तो एंजाइम अपनी जो एक नेचर है उससे हट जाएगा, उस वो ख़त्म हो जाएगी उसकी नेचर। स्पेसिफिसिटी देखते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, यानी आपके पास ऐसा नहीं होता कि कोई भी एंजाइम कोई भी रिएक्शन करना शुरू कर दे। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको एक बात की कि देर आर 1300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, 1300 डिफरेंट एंजाइम विद इन अ पर्टिकुलर ह्यूमन सेल। तो वो इतने ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत भी तभी है क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक है। आपके पास ऐसा नहीं होता कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को डील करना शुरू कर दे, कोई भी रिएक्शन कैटलाइज कराना शुरू कर दे। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक दैट दे रिएक्ट टूवर्ड्स सर्टन थिंग्स, सर्टन रिएक्टेंट्स जिनको वो डील करते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिसिटी में सम आर हाईली स्पेसिफिक एंड सम आर लेस स्पेसिफिक। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो हाईली स्पेसिफिक हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो लेस स्पेसिफिक हैं, उनकी स्पेसिफिसिटी उतनी मेंटेन नहीं है। अच्छा, अब ये कैसे होता है? लेट्स हैव एन एग्जांपल, आपको इससे ज़रा क्लियरली आइडिया होगा और समझ आएगा। देखें, हाईली स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो वी हैव स्पेसिफिक की बात की जाए तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है जी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, सो हाईली स्पेसिफिक का क्या मतलब है? देखें, जो यूरियाज है दैट इज गोइंग टू डील विद दिस रिएक्शन व्हेन यूरिया गेट एड अप द वाटर। सो यूरिया सबस्ट्रेट है जिसको ये डील कर रहा है। और हमारे पास लेस स्पेसिफिक का क्या मतलब है? कि ये उतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इसने सिर्फ एक ही चीज को डील करना है, इट इज गोइंग टू डील विद सम अदर थिंग्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एग्जाम्पल लूँ तो मैं ये कहती हूँ कि इट इज़ कैटलाइजिंग व्हेन दिस रिएक्शन, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ऐड अप होता है, और इट इज़ आल्सो देयर टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बायकार्बोनेट्स इन योर ब्लड। ठीक है जी, सो आपके पास ये दो तरह के रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहा है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में एडिशन जिसके रिजल्ट में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, ये भी आगे डिटेल में आ जाएगा, और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बायकार्बोनेट्स इन द ब्लड। सो दिस इज
a bit less specific. Next, we have to go with the quantity of the enzyme. अगर हम quantity की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि enzyme is required in a very lesser quantity. बहुत थोड़ी amount में enzyme चाहिए होता and it is going to convert a huge amount of substrate into the product. So enzymes का एक फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ी quantity में चाहिए, less quantity में चाहिए बड़े बड़े reactions को करवाने के लिए भी. Next is the medium. Enzyme किस medium में काम करता है? So here is another advantage. Enzyme is basically working both in vivo and in vitro. In vivo means inside the body, human body के, living body के अंदर, living system के अंदर. In vitro का मतलब है glass wares के अंदर. जैसे हम lab में कोई reaction करवा रहे हैं, तो in vitro का मतलब है lab में, glass wares के अंदर. आपने test tube में कोई reaction कराना है, enzyme डाला है. आपने कोई flask में reactants रखे हैं, enzyme डाला है. तो वो इस तरह से. ओके, नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन. एंजाइम को अगर हमने प्रेजेंट करना है तो हम कैसे, मतलब बाकी प्रोटीन से इसको कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे पता चलेगा नॉर्मल प्रोटीन की बात हो रही है किसी एंजाइम की बात हो रही है. सो रिप्रेजेंटेशन में देयर इज अ सफिक्स व्हिच इज एज. आप ऊपर की एग्जांपल्स दें तो जहां पर मैंने एंजाइम्स लिखे हैं उनका लास्ट सफिक्स इज एज. सो लास्ट सफिक्स में हमारे पास एज आता है व्हिच प्रेजेंट के ये एंजाइम की बात होगी. नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन. सो एंजाइम का एक और एडवांटेज ये है कि इफ देयर इज एन एंजाइमेटिक रिएक्शन सो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर इक्विलिब्रियम. रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को ये अफेक्ट नहीं करता. रेट ऑफ रिएक्शन को जरूर इन्हांस करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे इन्हांस करता है कि ये इक्विलिब्रियम को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता. देन देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज द नीड ऑफ अ कोफैक्टर. नाउ व्हाट इज दिस कोफैक्टर? अब आपने भी पढ़ा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर. अभी हमने जब उसको डिफाइन किया था तो हमने कहा कि एंजाइम प्रोटीन्स इन नेचर. बट समटाइम्स कुछ एंजाइम्स को एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होते या प्रॉपरली वर्क नहीं करते जब तक उनके पास एक कोई नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ अटैच ना हो. सो देयर इज अ नीड ऑफ अ कोफैक्टर. दैट कोफैक्टर माइट बी ऑर्गेनिक, माइट बी इनऑर्गेनिक. अभी हम इसकी टाइप्स पे आएंगे तो उसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं. लेकिन कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है फॉर देयर एक्टिविटी, एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर. एंड लास्ट इट इज द रिडक्शन इन द एक्टिवेशन एनर्जी. व्हाट डज इट मींस? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली? इसका भी एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास आ जाएगा चैप्टर में. एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास वो चीज है विच इज नेसेसरी और विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप एनी रिएक्शन. दो मॉलिक्यूल्स हैं, से ये ए है और ये बी है. आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाना है. सो देयर मस्ट बी अ नीड ऑफ एनर्जी, राइट? आपने एक ग्लास में पानी ले लिया, उसमें आपने शुगर ऐड करना है, तो यू हैव टू हीट दैट पैन. या आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टिर करना पड़ेगा. स्टिर करके भी आप उसको क्लाइडेंस प्रोवाइड करें, एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. सो दैट इज इट्स गेटिंग वेल मिक्स्ड इन दैट. सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है जी? दो मॉलिक्यूल्स को, दो रिएक्टेंट्स को, दो चीज़ों को या रिएक्ट कराने के लिए, रिएक्शन को स्टार्टअप होने के लिए वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, वो जो डिमांड ऑफ एनर्जी है उसको कम कर देते हैं. नाउ हाउ, कैसे ये इसको कम करते हैं, ये अभी हमारे पास विद इन डिटेल आगे आ जाएगा. ओके जी, अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं. प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके, अब हम आ जाते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर. किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, कैसे काम करता है, कौन से रीजन्स हैं जो सबस्ट्रेट को पिक करते हैं, और सारी चीज़ें ये इसमें अभी हमने डिस्कस करनी है. सो एंजाइम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. नाउ व्हाट इज दिस मीन्स? ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या मतलब है? बेसिकली अभी तो हमने कहा ना कि दीज आर प्रोटीन्स, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स का क्या मतलब है? देखें, प्रोटीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, दो टाइप्स होती हैं प्रोटीन्स की, या फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं या ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं. फिब्रस प्रोटीन्स का मतलब है दोज आर फाइबर लाइक, ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब दोज आर ग्लोबस. सो ग्लोबुलर प्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और अगर हम इनकी अरेंजमेंट देखें तो दैट इज टर्शरी और क्वार्टरनरी. नाउ टर्शरी और क्वार्टरनरी का क्या मतलब है? ये टर्शरी और क्वार्टरनरी आर दी लेवल्स ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन. प्रोटीन्स ऑर्गेनाइज होके जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज टर्शरी और क्वार्टरनरी. चार लेवल्स हैं बेसिकली.
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। अच्छा, अब ये जो लेवल्स हैं प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन के, इसको देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बनी है। सो यू ऑल नो प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दोज आर अमाइनो एसिड्स, राइट। अमाइनो एसिड्स वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू और क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब प्रोटीन्स अगर तो ये अमाइनो एसिड स्ट्रेट अवे लिंक्ड है, यानी एक अमाइनो एसिड है आपके पास, इसके साथ दूसरा है, इसके साथ थर्ड वन है, फोर्थ वन है, सो ऑन चलता जा रहा है। अगर तो ये अमाइनो एसिड लीनियर अरेंजमेंट में है तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रोटीन की सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है एंड दिस इज नोन एज द प्राइमरी वन। नाउ इफ दिस इज फोल्डेड, अगर ये प्राइमरी वन फोल्ड हुई है, फोल्ड होने के बाद ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स को अटेन कर दिया, आइदर इट इज मेकिंग अ हेलिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और आइदर इट इज मेकिंग अ zigzag kind of structure. अगर तो ये helical structure होता है तो इसको हम कहते हैं usually alpha helix, और अगर ये zigzag structure होता है तो इसको हम कहते हैं usually beta sheets या beta pleated sheets भी हो सकता है आपको कहीं मिले। अब इसको हम क्या कहते हैं, इस form को हम कहते हैं जी ये हमारे पास secondary arrangement है protein की या secondary structure of protein है। अगर इस secondary structure की मजीद folding हो तो it is making the tertiary one, और अगर ये टर्शरी स्ट्रक्चर मजीद अनफोल्ड हो तो इट मेक अ हाईली कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। होप यू पीपल आर क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क इन योर क्यूरी सेशन। ये आपके टॉपिक से डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट आई हैव एक्सप्लेन के आपको ये कन्फ्यूज ना करें। नेक्स्ट पे अगर हम आ जाएं मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि हाँ बहुत वेराइटी है, ऐसा नहीं है आप उसको किसी रेंज में क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि इट माइट बी लाइक 10,000 टू ओवर 1 मिलियन, इतनी सारी वेराइटी है, 1,000 से स्टार्ट होता है और मिलियंस तक जाता है जो एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट है। नाउ वन थिंग टू डिस्कस, ये थोड़ी सी एक हट के चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइबोसाइम को हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रोटीन सारी की सारी प्रोटीन्स, मतलब एंजाइम्स सब के सब प्रोटीन, लेकिन राइबोसाइम्स एक क्लास है एंजाइम्स की विच इज़ हैविंग ओनली आरएनए। ये सिर्फ ओनली एक्सेप्शन है, पूरे एंजाइम में राइबोसाइम इज द ओनली एक्सेप्शन जिधर इट इज नॉट प्रोटीन बट इट इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स एंड इट इज ओनली आरएनए। अब इस राइबोसाइम के अंदर वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल, एक हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट एग्जाम्पल इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज इम्पॉर्टेंट इन एलोंगेशन प्रोसेस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब आपके पास ट्रांसलेशन हो रही होती है तो इलोंगेशन में इट इज़ हेल्पफुल। अच्छा, अब अगर आपको ट्रांसलेशन याद नहीं है तो मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, इट इज़ एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन्स, राइट। सेंट्रल डॉगमा के हमारे पास दो स्टेप्स हैं, एक स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसमें आप कहते हैं डीएनए कन्वर्ट होता है जी किस चीज़ के अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसीजर होता है नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस इज इन द साइटोप्लाज्म। ये मैसेंजर आरएनए बनने के बाद बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड हेयर दिस गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन बनने का क्या मतलब हुआ कि अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, तो इलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन का क्या मतलब है कि अमाइनो एसिड्स को जोड़ के आगे जो पूरी लंबी चेन बनानी है वो आपके पास इलोंगेशन का प्रोसीजर है, उसमें ये एंजाइम वर्क करता है विच इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन आपके पास ये एंजाइम इज हैविंग ओनली आरएनए, नो प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम एंजाइम की शेप की बात कर लेते हैं, तो शेप में हमने बात कर ली है कि एंजाइम एक्चुअली आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबस होता है, और टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। नाउ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास विच इज़ द एक्टिव साइट, जो डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है शेप के अंदर। एक्टिव साइट हमारे पास क्या चीज़ है जी, एक्टिव साइट से पहले हम एक और चीज़ को स्टडी करते हैं विच इज़ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, सबस्ट्रेट हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है विच एंजाइम हैव टू टैकल, जिस पे एंजाइम ने काम करना है दैट इज सबस्ट्रेट, जिस रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है इनटू द प्रोडक्ट दैट इज द सबस्ट्रेट। अच्छा, अब अगर हम एक्टिव साइट की बात करें तो हमारे पास एक्टिव साइट वो जगह है, वो स्पेस है जिधर एंजाइम विल टेक इट्स सबस्ट्रेट। लेट्स हैव अ लुक हियर, मैं आपको एक डायग्राम से छोटी सी
शो कर देती हूँ कि किस तरह से है ये. सी, दिस इज एक्चुअली द एंजाइम और ये है जी हमारे पास इसका सबस्ट्रेट. सो दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज द एंजाइम, वाइल दिस इज द एक्टिव साइट. सो एक्टिव साइट हमारे पास वो स्पेस है, वो नॉच पार्ट्स है, वो कैविटी है जिसके अंदर, वो जगह है जिसके अंदर एंजाइम ने सबस्ट्रेट को पिक करना है. अच्छा, एक्टिव साइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इफ़ यू पीपल आर आस्क्ड टू डिफाइन एक्टिव साइट और एक्सप्लेन एक्टिव साइट, तो आपने कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आप बताएंगे? नंबर वन, दिस इज द साइट वेयर द एंजाइम विल टेक इट्स सबस्ट्रेट, वेयर द सबस्ट्रेट विल कम एंड गेट अटैच्ड, राइट. नंबर टू, दिस इज अ कैविटी, दिस इज अ चार्ज बियरिंग कैविटी which is three dimensional, and if we are talking about active site, so it is made up of 3 to 12 amino acids. Isko yaad rakhein, sirf active site ki baat ho rahi, pure enzyme ki baat nahi ho rahi. Matlab hum is region ki baat kare, hum keh rahe hain ye region kis cheez se bana hai, total 3 se leke 12 amino acids hain sirf, ya 3 honge ya 4 ya 5 up to 12 jo is active site ko banayenge. Have an example, aldolase ki example le lete hain ji. Aldolase ek enzyme hai. अगर इसकी एक्टिव साइट की बात करें तो इसकी एक्टिव साइट 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है जी, ग्लाइसिन नंबर 2 हिस्टिडीन एंड नंबर 3 वी आर हैविंग एलानिन, राइट. ये सब अमीनो एसिड हैं, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और एलानिन, ये सारे अमीनो एसिड हैं. सो हम कहते हैं कि 3 से लेके 12 अमीनो एसिड्स हैं विच आर मेकिंग दिस एक्टिव साइट. इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम नहीं होंगे. सो हमने अभी तक क्या कहा एक्टिव साइट के बारे में? दिस इज द स्पेस, दिस इज द कैविटी वेयर द सबस्ट्रेट इज गोइंग टू अटैच. सबस्ट्रेट इज द थिंग जिस पे एंजाइम ने काम करना है. इट इज अ कैविटी, इट इज चार्ज बियरिंग, इट इज थ्री डायमेंशनल एंड इट इज हैविंग 3 to 12 अमीनो एसिड्स इन टोटल. और हमने ये इसकी एक एग्जाम्पल ले ली. अच्छा, अब अगर एक्टिव साइट को मजीद डिटेल में डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि एक्टिव साइट के दो पार्ट्स होते हैं या दो कंपोनेंट्स हैं. एक्टिव साइट के दो कंपोनेंट्स हैं. एक्टिव साइट को भी डिवाइड किया गया है इसके कंपोनेंट्स के अंदर. वन इज द बाइंडिंग साइट व्हाइल द अदर इज द कैटालिटिक साइट, राइट. एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है. अब ये जो बाइंडिंग साइट है, देखें इसका नाम आपको बता रहा है, इसने क्या करना है? इट इज गोइंग टू बाइंड द सबस्ट्रेट विद इटसेल्फ, इट इज मेकिंग द सबस्ट्रेट बाउंड टू, इट इज मेकिंग सम बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट टू मेक दैट अटैच विद. अब बॉन्ड नेचर यूजुअली इक्विवेलेंट होती है, तो इसने क्या करना है? बाइंडिंग साइट ने, इट इज गोइंग टू बाइंड द सबस्ट्रेट एक्चुअली, व्हाइल द रिएक्शन द कैटालिसिस इज गोइंग टू अकर एट दिस साइट. कैटालिटिक साइट इज स्पेशलाइज्ड टू हैव कैटालिसिस, ठीक है जी. इसने क्या करना है? इट इज गोइंग टू मेक बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट. इसने क्या करना है? इसने सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बना के उसको लिंक करना है विद द एंजाइम. जब तक सबस्ट्रेट बॉन्ड नहीं करेगा तो कैटालिसिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. सो नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिटिक साइट. इग्नोर द राइटिंग प्लीज. कैटालिटिक साइट है और कैटालिटिक साइट के ऊपर आपके पास कैटालिसिस होनी है. कैटालिसिस का क्या मतलब है? कैटालिसिस का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू योर डिजायर्ड प्रोडक्ट. आसान लफ्जों में रिएक्शन का होना जिसके लिए आपने इतने तरद्दुद किए अभी तक. सो बाइंडिंग साइट इज द इज मेकिंग दैट बाउंड विद और कैटालिटिक साइट के ऊपर कैटालिसिस होती है. अच्छा जी, यहाँ तक हो गई बात. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द कोफैक्टर. प्रेजेंट है कोफैक्टर तो फिर आप एंजाइम्स को क्या कहते हैं? नहीं है प्रेजेंट तो फिर क्या कहते हैं? एक्चुअली एक्टिव साइट की क्या जरूरत पड़ गई है हमें? सो हमने पहले बात की थी कि कोफैक्टर हमें नॉन प्रोटीन होता है और हमें चाहिए होता है, एंजाइम को चाहिए होता है बेसिकली. एंजाइम रिक्वायर इट फॉर इट्स प्रॉपर एक्टिविटी, प्रॉपर फंक्शन. एंजाइम को अपने प्रॉपर काम करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है. अच्छा, अब वो एंजाइम्स जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, अगर तो कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच्ड है, इफ़ एंजाइम इज़ हैविंग द कोफैक्टर, और अभी हमने कहा जी इसको ज़रूरत भी है,
तो हम कहते हैं एंजाइम हैविंग द को फैक्टर इज नोन एज होलो एंजाइम. ठीक है जी, ये आसान करके मैंने इसके लिए आपके लिए लिख दिया. इस पे एंजाइम प्लस को फैक्टर इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम. और डेफिनेटली ये क्या होगा, होलो एंजाइम क्या है, एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द एंजाइम, एक्टिव है. और अगर हम कहें कि जी एंजाइम माइनस को फैक्टर, एक एंजाइम है लेकिन एट दिस टाइम उसके साथ को फैक्टर अटैच नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एपो एंजाइम. ठीक है जी, और एपो एंजाइम डेफिनेटली क्या है, इनएक्टिव है. अब जिन एंजाइम को कोफैक्टर नहीं भी चाहिए होता या जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कोफैक्टर की, वो भी एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. बस हम अभी इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हॉलो और एपो के लिए. अगर हम हॉलो एंजाइम की बात करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है इन दोनों को रिलेट करके, पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन इज एन एंजाइम released by the gastric gland within the stomach, but it is released in its inactive form. ये pepsinogen इसकी inactive form है, यानी ये apo enzyme है. So once it is exposed to HCl present in your stomach, it get activated और ये active form में convert हो जाता है, which is known as pepsin. So here our today's lecture get end. Thank you so very much for your patience. Thank you.